विद इन 10 डेज मुझे हमको इन्फॉर्मेशन आ गया था कि ट्रक मिल गया है आपका। हमारा गाड़ी 1 जून 2022 को चोरी हुआ था, आज से लगभग 8 महीने। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की तरफ से आज एक बहुत बड़े मामले का खुलासा किया गया है। आपको बता दें करीबन 53 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। उन वाहनों को जो चोरी करके रफू चक्कर हो जाता था चोर, अब उसे धर दबोचा गया है। इतना ही नहीं, इन पूरे वाहनों में आइसर ट्रक जिसमें मैं खड़ा हूँ इस समय, आप देख पा रहे हैं ये ट्रकों के बीच में जो अंबार आपको नजर आ रहा है, इन्हीं ट्रकों को चोरी करके रफू चक्कर हो रहा था यह आरोपी, और इस आरोपी को अब पकड़ा गया है। लेकिन पूरे मामले को जरा जानिए। दिसंबर के आस 22 दिसंबर 2022 को चोरी होता है, उसके बाद 25 तारीख के आसपास मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले को खंगाला जाता है। फास्ट ट्रैक और सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक पहुँचा जाता है, तब पकड़ में आता है एक आरोपी फारूक तैयब खान, और उसके साथ उसका एक आरोपी और पकड़ा जाता है, उसका नाम है मोबिन हारिस खान। इन दोनों की उम्र की अगर बात करें तो एक की 36 और एक की 40, और दोनों ही ड्राइवर थे, लेकिन दोनों ही इतने बेखौफ ड्राइवर थे कि दोनों ही ने इतने सारे ट्रकों को चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ये चोरी का मामला मात्र महाराष्ट्र के अंदर ही अंजाम नहीं दिया, इन्होंने इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी ट्रकों को लेकर रफू चक्कर हुए हैं। इस पूरे मामले को पूरी तरीके से पत्रकार वार्ता के द्वारा बताया यहाँ के स्थानीय आयुक्त मधुकर पांडे ने। इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासा किया, इसके अलावा जिनका ट्रक आज चोरी हो चुका था कुछ दिन पहले, आज उन्हें प्राप्त हो चुका है, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरा नाम सिद्धेश विनेपाल है। ये एक्चुअली ये 25 दिसंबर को मॉर्निंग में आयसर टेम्पो थी, वो हमारी बिल्डिंग के बाहर पार्क होती है एज़ यूजली, मतलब हमारा सब गाड़ी जो भी है वहाँ पे पार्क होती है, तो वहाँ पे पार्क किए थे मॉर्निंग में। जस्ट मॉम में मतलब मेरी मम्मी घूमने के लिए गई थी वॉकिंग के लिए, तो वहाँ पे वो गाड़ी नहीं दिखा, तो फिर वो तुरंत ऑन द स्पॉट कॉल किए मुझे, फिर डैडी को कॉल किए, तो ऐसी तरह सब इन्फॉर्मेशन मतलब फिर डायरेक्ट हम लोग ढूंढने लगे गाड़ी कहाँ पर है क्या है। तो फिर पुलिस स्टेशन गए हम लोग मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके, पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ से पूरा इंक्वायरी वहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रक मिल गया है। विद इन 10 डेज मुझे हमको इन्फॉर्मेशन आ गया था कि ट्रक मिल गया है आपका, मीन्स उसमें इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर चेंज हो गया था, वो सब अभी चेंजेस कर रहे हैं, अभी वो सब पुलिस कस्टडी में है। हमारा गाड़ी 1 जून 2022 को चोरी हुआ था, आज से लगभग 8 महीने पहले, तो विसरवाड़ी पुलिस स्टेशन में 1 जून को हमने उसकी कंप्लेन की थी। फिर हमारे विसरवाड़ी की API मिस्टर नितिन पाटिल सर ने और हमारे IO दिलीप गावी सर ने, इन्होंने और हमारे जो LCB की टीम है राजेंद्र काटके और जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट की LCB की टीम है, उन्होंने 25 जुलाई को आरोपी को अहमदाबाद से पकड़ा था, पर गाड़ी नहीं मिलने की वजह से उनको गुनाह जो दाखिल हुआ था कोर्ट से, उन्होंने उनको बेल मिलने के बाद में वो माल नहीं मिला था। फिर हम अभी इनका कॉल आया हमको 25 जनवरी को, क्या गाड़ी आपका रिसीव हो चुका है, उन्होंने वेरिफिकेशन किया और फिर आज मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आयसर गाड़ी था हमारा। तो 23 दिसंबर 2022 को एक हमारे काशीमीरा मीरा रोड के एरिया में रहने वाले एक फिरियादी हैं, मेरा नाम है विजय कुमार हीरालाल पाल, इनकी अपनी एक आयसर कंपनी थी का एक टेम्पो था, और वो टेम्पो उन्होंने 23 दिसंबर को कहीं पर लगाया था और उसके बाद चले गए थे। 25 तारीख को जब ये वापस आए तो वो टेम्पो उनको नहीं दिखा। इस बारे में उन लोगों ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल की, और इस FIR का इन्वेस्टिगेशन पैरेलल क्राइम ब्रांच ने भी शुरू किया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो ट्रक आखिर कहाँ गया, वो टेम्पो आखिर कहाँ गया, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत तरह के डायरेक्शन में तपास किया, जिसका एक डायरेक्शन था CCTV फुटेज एनालिसिस, और उसमें एक CCTV फुटेज का हमको वो दिखा। उसके बाद में फिर आगे कहीं और CCTV है क्या दिख रहे क्या, ऐसा करते करते हमारे लोगों ने वो पूरी ट्रैकिंग की, और हमारी ट्रैकिंग राजस्थान तक गई। इसमें हमको ये समझ में आया कि ये जो टेम्पो था ये यहाँ से निकल के खानेवाड़ी टोल नाका, उसके बाद में तलासरी, उसके बाद में बड़ौदा, वहाँ से गोधरा, गोधरा से आगे राजस्थान में रेवाड़ी टॉल नाका है वहाँ पर गई, वहाँ उन्होंने उसका एक नंबर चेंज किया, और उसी जगह पे उन्होंने रेवाड़ी टॉल नाका में एक फास्टैग का यूज़ किया। उस फास्टैग का एनालिसिस करने के बाद में हमको एक नंबर मिला,
उसका एनालिसिस करने पे अपने को ये पता चला कि ये नंबर इसी रास्ते से मूव हो रहा था, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये हम लोग सही ट्रैक पे हैं। उसको आगे उसी को वर्कआउट करते हुए अलवर राजस्थान से हमने दो आरोपियों को पकड़ा। ये दो आरोपी जो है, इनका नाम है फारूक सैयद खान और मुबीन हारिस खान। इनको हमने अरेस्ट करने के बाद में इन लोगों ने हमको और भी इस तरह की कई गाड़ियां उन्होंने चोरी की हैं, और चोरी करने के बाद में इधर उधर कहीं रखी हुई हैं और उनका डिस्पोजल अभी होना बाकी है। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले हम लोग सब जो भी मिलता है उसकी रिकवरी कर लेते हैं, ताकि डिस्पोजल से पहले रिकवरी हो जाए और बाद में फिर बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता रहेगा। इसमें राजस्थान की जो वहाँ की पुलिस थी, प्लस गुजरात की जो पुलिस थी, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने उनके साथ में हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, दे हेल्प्ड अस अ लॉट। और ये सारे ऑपरेशन में जो कि पिछले सवा डेढ़ महीने से चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कुल 4,50,00,000 रुपए के टोटल 53 व्हीकल्स, इसमें 48 है आयशा टेम्पो, 2 टाटा टेम्पो, 1 अशोक लेलैंड है और 2 क्रेटा कार है, इतनी सारी गाड़ियां जब रिकवर की। इसमें शुरू में हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सारी जो गाड़ियां हैं ये हमारे एरिया से ही गई होंगी या फिर महाराष्ट्र की होंगी, लेकिन बाद में जब उसका आयशर कंपनी के लोगों के साथ में हमने जब टेक्निकल उसका ये किया कि एक्चुअली जो ओरिजिनल इसका जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर वो क्या है, तो उसका एनालिसिस करने से ये पता चला कि इसमें जो 22 गाड़ियाँ जब्त हुई हैं उसमें 22 में से 4 महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र से चोरी गई हैं, 2 उत्तर प्रदेश से गई हैं, 1 हरियाणा से गई है, और नहीं 9 हरियाणा से और 7 दिल्ली से। हमने वहाँ की जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उनको इस बारे में संपर्क किया है, और इसमें जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो उस नेटवर्क का एक कॉम्पोनेंट थे, वो चोरी करते थे, चोरी करने के बाद में इसको वहाँ ले जाके देते थे। आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उसमें 6-7 लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं, 1 गुजरात के हैं, 1 2 हरियाणा के हैं। इन लोगों को हम लोग अब अरेस्ट करने वाले हैं, और वो करने के बाद में इसका बाकी का नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो शुरू होगा। जिन लोगों की गाड़ियां गई थी उसमें से 4 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको हमने यहाँ बुलाया है, और इसी कार्यक्रम में हम उनको वो गाड़ी उनकी गाड़ियाँ परत वापस करने वाले हैं।